आज इस प्रेस मीट बुलाने का रीज़न म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो नोटिफिकेशन कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, उसका जो ऑप्शन है प्रेसिडेंट के लिए जनरल और वाइस प्रेसिडेंट के लिए एससी, जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कैटेगरी डिक्लेयर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और एमआईएम के पास है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल करने के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इस जमन में कुछ लोगों की कोशिश और कुछ जमातों की, कुछ पार्टियों की यह कोशिश है कि मजलिस को तोड़ा जाए, मजलिस से जो ऑप्शन है वो ऑप्शन को डिस्टर्ब कर दूसरे लेवल पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह वो लोग किसी सूरत भी कामयाब नहीं होंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बसकल्याण वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो हासिल करने में आपकी दुआओं से कामयाब होगी। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है सीएमसी, उसके लिए आप किसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को या दूसरे पार्टी का? आपका सवाल बजा है, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करना या ना करना उसका तो सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के पास पूरी पूरी मेजॉरिटी है। हम जो चीज़ आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस के पास एससी लेडीज कैंडिडेट नहीं है। एससी लेडीज कैंडिडेट एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है और एक बीजेपी के पास है। आपका सवाल के ऊपर एक काउंटर सवाल मजलिस की तरफ से आप लोगों के दरमियान में ये रहेगा कि कांग्रेस मजलिस को सपोर्ट करती है या बीजेपी को सपोर्ट करती है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है।